हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बिरुखाल जा रही हूँ और मैं तैयार होकर सड़क पे आ गई हूँ, और साथ में मेरी बच्ची भी आ गई है। आज मुझे कोरोना की सेकेंड डोज लगानी है और मेरे साथ आ रही है दीपू। बोलो हेलो दोस्तों। हेलो टोटो, मैं जा रही हूँ बिरुखाल। मैं जा रही हूँ बिहार। आप भी आ रहे हो? आप भी आ रहे हो? बाइक में जाओगी या गाड़ी में जाओगी? हाँ किस में जाओगी? तो भी जाओ, मैं हाँ भी जाऊंगी। आप किस में जाओगी, गाड़ी में कि बाइक में? हाँ नहीं, किस में? बाइक बाइक में। दादी की गाड़ी में कौन जाएगा? मम्मी भी, मम टिप्पू भी। कै गाड़ी में जाने से तू? दादा गाड़ी। दादा गाड़ी में? कब जाना? कोरोना वैक्सीन आई? अच्छा, जय भगवान जी। मैठाना घाट मार्केट हम पहुंचने ही वाले हैं। बाजी जी, पापा डॉगी आ गया। हाँ हाँ, बाप रे, इधर इधर इधर, तेरे चॉकलेट खा दे। अब हम मैठना घाट में पहुंच गए हैं, तो हम अब बाइक से जाएंगे बिरुखाल वैक्सीन लगवाने के लिए। तो वहाँ जाके पता चलेगा कि लगती है कि नहीं लगती। कौन है ये? कौन है? कहाँ है? नमस्ते कर दो। बोलो सबके लिए नमस्ते। नमस्ते। अब हम बाइक से जाएंगे, हम तो इसको यही रहने देंगे। नहीं। हाँ। मुझे बाय में जानी है। हम निकल गए हैं मैठना घाट से। और ये है नाकुरी का बॉन्ड। यहाँ से एक रोड नीचे को जाती है जो कि इसी सही पनास होके जाती है, और ये ऊपर वाली रोड बिरुखाल के लिए। तो हमें बिरुखाल जाना है तो हम ऊपर वाली रोड पे जाएंगे। और हम पहुंच गए हैं बिरुखाल में, पर हम मार्केट में नहीं रुकेंगे। अभी हम सीधा हॉस्पिटल जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। हम सीधा हॉस्पिटल जा रहे हैं, आते समय रुकेंगे। हॉस्पिटल वाली रोड हम नीचे जा रहे हैं, और ऊपर वाली रोड से हम बैज रोड पे पहले शहर जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंच गए हैं हम।
वैक्सीन के लिए 10 लोगों का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक शीशी में 10 लोगों की दवा होती है। अभी हम 4 लोग हैं वैक्सीन वाले। बिरुखाल हॉस्पिटल ठीक बच गया कोई? एकदम खाली खाली। रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, अब वैक्सीन लगानी बाकी है। किस्मत इतनी ख़राब है कि बोलना ही क्या। एक डोज बची थी तो एक बंदे को लग गई, उसके बाद हम 4 लोग थे और उन्होंने हमको नहीं लगाई। कहा कि 6 लोगों की डोज ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ी देर बहस चलती रही और उसके बाद हम मार्केट चले गए, क्योंकि यहाँ पे रह के भी क्या करना। वैसे भी टाइम भी ज़्यादा हो गया था, 1:30 बज गए थे, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, तो हम छोले भटूरे खाने के लिए चले गए। दोबारा आए तीन बजे तक इंतज़ार किया, तब जाके वैक्सीन लगी। और अब हम सीधा घर जाएंगे, क्योंकि सामान भी हमने पहले ही ले लिया है घर का। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं अपनी लड़की को अपने साथ लेके नहीं आई बिरुखाल, क्योंकि हमें यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो इतने टाइम तक हमारे साथ परेशान हो जाती। अच्छा किया उसने अपने दादा के साथ रुक गई।